तो श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होता होगा ना, 24 आवर वाला, जो 24 घंटे का होता है। हाँ, तो जो 24 घंटे वाला मानस पाठ होता है ना, वो तो धक 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 इंजन की तरह चलता रहता है। पढ़ने वाले के दिमाग में ये बीमारी रहती है कि भगवान 24 घंटे में पूरा करना, 24 घंटे। आप देखेंगे आजकल कथाओं में ना, 3 घंटे के कथा में 1.5 घंटा भजन होता है और नाच होता है, और 1.5 घंटा कथा होता है। मैं आपसे बहुत विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि मैं अगर 3 घंटा राम कथा सुनाने आया हूं ना, तो केवल राम कथा को ही सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अंग्रेजी की कक्षा में अगर विद्यार्थी पढ़ने जाए और उसको मास्टर साहब हिंदी पढ़ा पढ़ा के भुलवा दें, टाइम खराब कर दे उसका, वो गलत है। ये जो मानस की चौपाइयाँ हैं ना, ये एक एक चौपाई ये अमृत है। समझ में नहीं आता फिर भी अच्छा लगता है, मीठा लगता है, और कोई इसको उसी मिठास के साथ गाए ना, तो फिर पूछना ही क्या। तो भगवान ने हमको ये सिखाया है किसी जन्म में, तो इसलिए हम सोचते हैं ठीक ठीक मन से दिल लगा के पाठ करने की आदत पड़ जाए ना, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रोज सुबह किताब खोलिए और खाली 10 मिनट पाठ करिए, खूब भाव से, खूब भाव से। आपको अर्थ न समझ में आए तो जिसको हिंदी मालूम है उससे नीचे उसका हिंदी में अर्थ लिखा रहता है किताब में, पढ़ लीजिए और समझ के फिर पाठ करिए, बहुत आनंद मिलेगा। ये जो हमारे सामने बैठ के सुनने वाले होते हैं ना, ये कक्षा 2 के बच्चों की तरह विद्यार्थी नहीं होते हैं, हमसे बहुत अधिक अच्छे लोग होंगे इसमें, और हमें इस बात का हमेशा बोध रहता है। लोग आपको सच बताऊं ना, लोग हमको नमस्ते करते हैं ना, तो हमको अंदर से ये भाव आता है कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत है नमस्ते हम कराएं लोगों से, कोई हमारे माता का उम्र का, कोई पिता की उम्र का, ये सोच के मना उनको नहीं करते हैं कि इस लिबास को, इस वेश को लोग नमस्ते कर रहे हैं। और मेरा ये दायित्व है कि इस चरित्र को बेदाग बचाए रखें,